देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अक्सरियत नाकाम, अकलियत कामयाब और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, आप कह सकते हैं कि हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूंगा। हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, इमरान खान क्या चीज है हम निकाल सकते हैं। नेशनल असेंबली डिसॉल्व करे, नया इंतखाबा का ऐलान करे, अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वही हुआ जिसका डर था, हुकूमत के उम्मीदवार मुशीर खजाना हफीज शेख अपने साबिक बॉस यूसुफ रजा गिलानी से सेनेट का इलेक्शन हार गए। 20 वोट ज्यादा होने के बावजूद हफीज शेख ये इंतखाब कैसे हार गए, क्यों हार गए और गिलानी साहब को वोट देने के लिए किस किस ने अपने जमीर की आवाज सुनी, किसने पैकेज डील की, किसने अपनी ही पार्टी पर अदम एतमाद किया और किसने जानबूझकर अपना वोट जाया किया, ये राज शायद राज ही रहेगा। एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन पाकिस्तान में तो लगता है कि सियासत में सब जायज है। यहाँ धौंस जायज है, धांधली जायज है, बददियानती जायज है, यहाँ कम वोट होने के बावजूद इलेक्शन जीतना जायज है, वोट खरीदना और बेचना जायज है, यहाँ अराकीन की मंडियां लगाना भी जायज है, यहाँ नोटों के पहाड़ के सामने बैठकर खुद को ईमानदार कहना जायज है, ओपन वोट की खुलेआम मुखालफत जायज है, लेन देन और पैकेज डील की वीडियो आने के बाद भी इलेक्शन लड़ना जायज है, सड़कों पर घसीटने वालों को अपना उम्मीदवार बनाना जायज है, पेट फाड़ने वालों को वोट देकर कामयाब बनाना जायज है, पंजाब में सेनेट इलेक्शन की बजाय मुकमुका जायज है, यहां ठेकेदारों को सेनेट का टिकट देना जायज है, वाजे आईनी शिक होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना भी जायज है, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद आईनी तरमीम और फिर ऑर्डिनेंस लाना जायज है, वोट डालकर फौरी तौर पर कौमी असेंबली से इस्तीफा देना और नाअहली से बचने के लिए सेनेटर में जाना जायज है, डस्का में शिकस्त देखकर पोलिंग अमले को अगवा करना भी जायज है, ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ खरीदना जुर्म और बिकना जायज है। प्रोग्राम में आज इस जायज और नाजायज पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले मैं ब्रेक लूँ गबोल साहब, थोड़ी सी बात जरा अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर लूँ, कल वज़ीर आज़म का आपने कौम से खिताब सुना होगा, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उन्हें बताया, आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को आप? मतलब मैं समझता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच करता है या खिताब करता है कौम से, तो प्राइम मिनिस्टर को अपना हार और अपना रोना जो है ना वो दिखाना नहीं चाहिए। नहीं, पहली दफा किसी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहली दफा इलेक्शन कमीशन को एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने रोया है? कभी कोई सिटिंग प्राइम ऑपोजिशन का तो काम है, हम कहते रहते हैं इलेक्शन कमीशन का, पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर अपने ही इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, तो उन्हें भी तो हो सकती है ना शिकायत। जब वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान हमने जीता है, हमने एक अगर इस्लामाबाद की सीट हारी तो क्या हुआ, तो आप एक इस्लामाबाद की सीट पर अगर 17 रिटर्निंग ऑफिसरों को आप किडनैप करेंगे, अगर आप 17 लोगों को धुंध के बायस किडनैप करेंगे, सबूत क्या या मीडिया पे सिर्फ वो खुद कह रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है, पीटीआई ने हमें अगवा किया था। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि वो पीटीआई के लोगों पे, लेकिन उस्मान चूंकि इलेक्शन इंचार्ज था मेरे ख्याल बड़ी मेहनत की और इन्होंने मेहनत ही नहीं की, और ये खुद कह रहा है कि जिसने ये हरकत की है उसने गलत किया, हमारा जो काम था जो है ना, जो हम करना चाह रहे थे उसके ऊपर बीच में मुदाखलत की उसने। कहते हैं जब तक डस्का का इलेक्शन जीत नहीं जाऊंगा ना दोबारा जो है ये स्पेशल असिस्टेंट नहीं बनेंगे। डस्का में जो इनको झटका लगा है, मुझे तो दुख है कि इसका स्पेशल असिस्टेंट शिप भी चला गया, और जो झटका इमरान खान को भी लगा है उससे कल अपने स्पीच में जो है बता दिया कौम से खिताब में कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्पीच कर रहा है जैसे कंटेनर पे खड़ा हुआ। सर लेकिन आप देखें एग्जीक्यूटिव और आईनी इदारा ये आमने सामने हैं, तो क्या ये कोई मुश्किल सूरत हाल हो सकती है? आमने सामने हो गए, किस तरफ जाए जा रहे सारे इदारे आमने सामने हो गए, जुडिशरी को भी इन्होंने कह दिया, जुडिशरी ने क्यों नहीं जो है वर्डिक्ट दिया, देखिए इदारे अब सब कौन लड़ा रहा है, किसी ने साथ नहीं, प्राइम मिनिस्टर लड़ा रहा है,
इदारे कौन लड़ा रहे? हम नहीं लड़ा रहे। हमें कहा जाता था ना कि आपकी बयानिया जो है वो सही नहीं है। अब हमारी बयानिया सही हो गई है। हमारी बयानिया सही हो गई ना, अब इनकी खराब हो गई है। किरमानी साहब, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करना जो इमरान खान साहब ने की, सर ये कोई नई बात नहीं है। देखें, आपकी जमात भी करती रही है और पीडीएम भी माजी में काफी उन पर तनकीद इलेक्शन कमीशन के ऊपर करती रही है, सभी ने की है। मैं जरा दिखा दूं सर, देख लें, फिर आपसे सवाल करती हूँ। प्ले कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताओ आवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने? हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी और हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के जो घटजोड़ है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में, वो खत्म हो। इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाजा बना दिया है। किरमानी साहब, इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल इस वक्त सामने आया है सर, ऐसा पहले कभी आपने रद्द अमल आते हुए देखा या ये कोई नया इलेक्शन कमीशन है? आज जो इलेक्शन कमीशन का वो जो प्रेस रिलीज या प्रेस नोट चलेंगे, जो भी रिएक्शन आया है, ऐसा ही इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए था। ठीक, हमारी नून लीग की और दीगर अपोजिशन पार्टी की पीडीएम की जिदोजहद ये थी कि भई जो आप लोगों ने यरगमाल बना लिए इदारे, आप उनको आज़ाद करते हैं, एक फेयर प्ले होना चाहिए। आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उस पर उन्होंने इसका इजहार है कि अब वो जो प्रेशर था गवर्नमेंट का उन पर, जिसके तहत इसी इलेक्शन कमीशन ने, मुझे कहने दीजिए कि फैसल वाडा साहब का केस जॉन साहब दुबई रखा, इसी इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस दबाए रखा, लेकिन अब चूंकि वो भी अवाम की नब्ज देख रहे हैं, पल्स देख रहे हैं कि हालात किधर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपका प्रेशर ले लिया। नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, आपके दबाव में, अब वो प्रेशर से निकल रहे हैं और अब आजादाना एक उनका जो किरदार है वो नुमाया हो रहा है, उसका नतीजा है। देखिए, कोई भी वजह हो, असल चीज ये है कि इदारे आजाद और उनको अपने आइन के तहत काम करना और दबाव से आजाद होना चाहिए। हुकूमत कभी बाई इलेक्शन हारती है? ये हुकूमत बाई इलेक्शन हार रही है। मिसाल दे देता हूँ बाई इलेक्शन की, इन्हीं की हुकूमत थी पीटीआई की केपीके में, हरिपुर का जिमनी इलेक्शन इनसे हम छीन के इनको हरा के आए थे 2015 में। जी सर, वैसे आप समझते हैं तमाम इदारे आजाद हैं? आपने कहा इलेक्शन कमीशन आजाद होना चाहिए इदारों को, और अगर आजाद होना चाहिए, अगर कोई इदारा आजाद नहीं है तो उसको असर्ट करना चाहिए, क्योंकि मजबूत इदारे जो हैं वे मुस्तहकम पाकिस्तान की अच्छी बात है। वैसे ये यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो पे ना, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी हुई है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन खान साहब ने कल जो अपनी कौम से खिताब में उनको क्रिटिसाइज किया उस पर आप देख लें बड़ा सख्त रद्द अमल आ गया। तजाद नहीं है वैसे उस पर? मैं कहता हूं कि जो भी सबूत हैं इनके पास लाएं, अगर इनके पास सबूत हैं और ये साबित होता है, कोई भी हो, मैं हूं, नबील साहब हो, उस्मान हो, कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया है और वो सबूत हो, प्रूव होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बड़ा दुख हुआ है उस्मान डार साहब, आप यहाँ पे फंस रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि इस तरह से खिताब में और इस तरह तनकीद की गई है हुकूमती सरबरा ने एक आईनी इदारे के ऊपर, इस तरह तनकीद करने की वैसे क्या कोई जरूरत थी इलेक्शन कमीशन पे खान साहब को? देखिये, कोई भी मुहिब वतन और बिलखसूस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुलकर और कैटागोरिकली कहा है कि मेरा सियासत में आना या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 25 साल जद्दोजहद निज़ाम की तब्दीली है ना, तो निज़ाम की तब्दीली ये है, हमें खुशी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज पाकिस्तान का मीडिया पारस कह रहा है खुद मुख्तार है, आज़ाद है, लेकिन फिर वो सारे फैसलों में आज़ाद दिखना चाहिए। सिर्फ दसका के इलेक्शन में सुन लें अब जरा प्लीज, एक तो ये आप इनकी बात कह रहे थे, इनके लिए हर वो अदारा आजाद होगा जो फैसला इनके हक में देगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट में से फैसला इनके खिलाफ आ जाएगा, ये हमारे मुअज्जज साहिबान के खिलाफ फिर जहर उगलना शुरू कर देंगे। अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं? देखिये, हमने कबूल, हमने इलेक्शन कमीशन पे खड़े हो गए, लेकिन ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम अपने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, लेकिन हमने देखें बात डस्का इलेक्शन पे, हमने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, हमारा हक है उस फैसले पे बात करना। हमारा हक ये है कि आज बात की जा रही है सेनेट इलेक्शन में, जी इलेक्शन एक्ट 2017 के 225 के तहत ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए अगर कोई सबूत है, तो यही बात जब हम डस्का के लिए कर रहे थे जहां इल्जाम लगाया गया प्रेजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए गए, गोलियां चली, धांधली हुई, कहीं तो उसका ट्रायल होना चाहिए। हमारा हक है, आपका हक है, आपके एतराजात ठीक है, आपकी शिकायत जायज है, आपका गुस्सा भी ठीक है, लेकिन
लेकिन कौम से खिताब करते हुए क्या ये बेहतर था कि खान साहब सारा गुस्सा इस तरह से इलेक्शन कमीशन पे निकाल दे? देखिए इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है आईनी और कानूनी तरीका अख्तियार करें, आप दरखास्तें दें ना, आप शवाई दें। कौमों की जिंदगी में रोज रोज ये दिन नहीं आते। ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय ली गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बॉल उनकी कोर्ट में डाला ये कह के कि आप ट्रेसेबिलिटी करें, बार कोडिंग करें, कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि पता चले किनके जमीन पे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने बेहतरीन फैसला किया, अल्लाह का शुक्र। आप बेहतरीन फैसला था, आप मुझे बता दें दिली तौर पे आपका इदारा सेटिस्फाइड है और जिस कानूनी इदारे के ऊपर आप तंकीद कर रहे हैं। आप मुझे पारस बताएं, चाहे बलोचिस्तान था, केपी था, सिंध था, पंजाब था, जो भी था, या क्या ये ठीक हुआ जो हुआ इलेक्शन में? आप मुझे बताएं ना, आप एक पाकिस्तानी 2.5 साल बाद आपको ये याद आया अपनी हुकूमत में? पहले कर लेते ये सारा काम, इस वक्त में आपको जब खुफिया पार्टी आपको सूट कर रही थी संजरानी साहब के वक्त, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों जमातें मिसाके जमहूरियत का जो टोपी ड्रामा लगा रखा था, जी हम मिसाके जमहूरियत लेके आए हैं, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, दफन करके इन्होंने रख दिया सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने। फौजी अरशद जीती है 174 वोट्स लेके, वो ठीक है फैसला? वो फैसला ठीक ही होगा ना? क्यों नहीं होगा? तो ठीक ही होगा क्योंकि उसमें आप जीत गए। और हफीज शेख का गलत होगा क्योंकि 164 वोट्स उन्होंने लिए, इस एतबार से कह रहा हूं। और उसमें यूसुफ रजा गिलानी जीत गए इनके मुश्तरका उम्मीदवार। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम में से किसी ने खरीदो फरोख्त की है, मैं आपके प्रोग्राम में कंडेम कर रहा हूं, जरूर जजा सजा होनी चाहिए जिस जिसने किया है। मैं किसी को दफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात ब्रेक से पहले कहना चाहता हूं, करमानी साहब बैठे हैं, इन्हें पता होना चाहिए, मरियम साहिबा की मैं अभी सुन रहा था इंट्रो में, जी टिकट चली है, टिकट चलती तो फौजी अरशद पे चलती, नून लीग तो हारी है सेनेट में, ये नून लीग वालों की रवायत नहीं जाएगी झूठी मिठाई खाने की? आप इनमें अभी भी फूट नहीं डाल सकते आप ऐसी बातों से। सेलिब्रेशन जश्न मनाना छोड़ दें, आपका उम्मीदवार हार गया। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, देखते रहेगा न्यूज। नबील कबूल साहब, याद है आपने मेरे एक शो में ये कहा था कि अगर अराकीन बिकने के लिए मार्केट में आएंगे तो हम खरीदेंगे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कामयाब खरीदारी के ऊपर। सर पहले तो मैं तो सबसे पहले इनको कहना चाह रहा था और इनको वार्न कर रहा था कि अपने जो घोड़े हैं उनको मार्केट में ना भेजें, क्योंकि खरीदार वहाँ ऑलरेडी खड़े हैं खरीदने के लिए, तो इनको अपने घोड़ों को संभालना चाहिए था ना। सारा पैसा लगा दिया, ये करोड़ों में बात हुई या फिर अरबों तक बात पहुंची है? इल्जाम है ना कि हमने खरीदा है, हमने 16-15 लोग बिके हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि 16-17 हमारे बिके हैं जी, और उन्हीं से कल एतमाद का वोट ले रहे हैं। ये कैसा एतमाद हुआ? यानी पहले आप कह रहे हैं कि इन्होंने बेवफाई की और आज के इनके पार्लियामेंट्री मीटिंग में साफ कहा कि जिसने कल वोट नहीं दिया मुझे, मैं बाहर निकाल दूंगा। सर अच्छा एक बात बताएं, वोट जाया करने का और वोट ना देने का या गिलानी साहब को देने का, ये अलग अलग रेट लगाया था आपने? ये मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती जो आप मुझसे पूछ रही है। नहीं, आपने ही मेरे प्रोग्राम में ये बात देखी थी कि हम आपके खड़े हैं, हम 22 वोट ज्यादा लेंगे और हमने 22 वोट ज्यादा लिया। गिलानी साहब ने कहा कि गिलानी साहब को 20 वोट जरदारी साहब कह रहे हैं कि कम पड़े हैं, तो ये क्या लोग पैसे लेके आपको कोई चकमा दे गए, धोखा दे गए, या फिर किसी ने ये कोई यकीन दहानी कराई थी कुछ घंटे पहले? ये नहीं पढ़ा है मैंने। नहीं, जिदारी साहब ने कहा उसी दिन रात को कहा था 20 वोट कम पड़े हैं, और शायद खाका नबासी ने कहा 15 कम पड़े। हम समझते हैं कि जो हमारे साथ जो रबते में थे, देखे यूसुफ रजा गिलानी साहब जब इनके MNAs जो थे अपोजिशन में थे, इनको इसी तरह नवाजते थे डेवलपमेंट फंड्स में जिस तरह पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को नवाजते थे। मैं उनका मिनिस्टर था, मेरे सामने हर एक MNA को जो भी वो काम लेकर आया, वो किसी को ना नहीं करते थे। हमें सपोर्ट जिन्होंने किया है वो उन्हीं लोगों ने किया जो उस वक्त के असेंबली में थे, जो यूसुफ रजा गिलानी के असेंबली में थे। अब वो निकाले उनमें से वो MNAs कौन है? हाँ। वो 22 के 22 MNAs ने हमें सपोर्ट किया। अच्छा, और जो आप जमीर जागने की बात कर रहे हैं, वैसे वो मंत्रा आपका कल हम देखेंगे, क्योंकि कल कौन किसने इतना दम है कि खान साहब के सामने आ गए और वो अदब में एतमाद का ऐलान करेंगे? ये हमारा असल इशू ही नहीं है, हम कल जाएंगे नहीं असेंबली में, क्यों पता क्यों? बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट करेंगे। PDM ने वैसे कह दिया कल वो बायकॉट कर रहे हैं, शर्मिंदगी से बचने के लिए कल कर रहे हैं। शर्मिंदगी से नहीं भाई, आओ ना भाई, मेरे पास किसका जमीर जाग गया, किसकी टिकट चली है, कल पता चलेगा भाई। उन्होंने फैसला कर लिया वो बायकॉट कर रहे हैं। हमने आप लोगों को जो है ना, वो कहते हैं ना घोड़े घोड़े कि उन्होंने पहले ही अलग कर लिया था। देखिए, हमने आप लोगों को मजबूर कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले,
वरना तो आप तो हमें बच्चा समझते थे, अरे ये छोड़ो इनको, ये क्या कर सकते हैं। आज हमने, हम बच्चों ने आप लोगों को दिखा दिया कि आप जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, और आप ले रहे हैं। सुलन क्या होता है तरीके का, आपको पता है क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है? प्रेसिडेंट कहता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहा है कि मेरे को मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाओ, दिलवाओ। और उनको क्या है, ऐसे फैसले करने के लिए हालांकि कुआं चाहिए। अगर किसी का जमीन जागा था ना तो मजा तब था। आसफ अली जरदारी साहब सार बैठाते और ऐसे कहते ये है जमीन जागा है, क्यों सर पता चलेगा नोट चला था या वोट खरीदने के लिए जमीन जागा था? आप ले जितना ले सकते हो, कॉन्फिडेंस में ले आप, हम आपको खुला छूट दे रहे हैं। बात ये, हमने आप लोगों को सेनेट में यहाँ पे चने चबा दिए, नाक के चने पड़ा क्या पूरी कौन देखेगी? लेकिन आपको नोट चला था या जमीन का वोट चला था? आपको 12 तारीख को एक और सरप्राइज देंगे, कल कौन देखेगी नोट चला था या जमीन का वोट चला था? अगर 13 तारीख को आपका शो होगा बुलाना मुझे, 12 तारीख को इनको रुलाएंगे आप, ऐसा रुलाएंगे 12 जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, वहाँ पे भी यही करेंगे। कौन शख्स वहाँ के काम पूरा हम वही करेंगे जो बात कर रहे हैं। 53 वोट है वो हमें रुलाने की बात है, आप कह रहे थे ये रोएंगे, और हमारे कितने 53 हैं, तो फिर कौन रो रहा है? हमें रुलाने की बात आजम ने कहा ये रोएंगे, ये तो खुश लग रहे हैं, रो तो यूं रहा है, हमें डरा रहे हैं, कोई शाखा नहीं आ जाएंगे। आपके 15-16 लोगों के जमीरों के साथ आजकल क्या मसला चल रहा है कि हफीज शेख के वक्त में वो जाग जाता है जमीर, और फौजी अरशद के वक्त में उनका जमीर सो जाता है, ये क्या मसला? ये ड्यूल जमीर है। देखिए वो शर्मनाक वीडियो, कुछ नोटों से भी जागते हैं। देखें वो एक शर्मनाक वीडियो अली गिलानी की मंजरे आम पे आ चुकी है। ये आंकड़े थे ना सबूत के, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, स्टिंग था या वाकई जो कुछ सामने आया, लेकिन दो एडमिटेड चीजें सामने आ चुकी हैं। ये कहते हैं सबूत लाएं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मरियम नवाज खुद एडमिट कर रही है टिकट चली है। और ये देखें, ये है इलेक्शन कमीशन का, पढ़े पेज नंबर 56 के ऊपर, वो देंगे कौन है वो पूछे, ये सारा आता है जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ड्राइव करते हैं, ये क्रप प्रैक्टिस में आता है। हिम्मत दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब आपने अपने 20 लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर फेंका था, अब जिन 16 लोगों की या 17 लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका यकीनन आपको पता चल गया है, प्राइम मिनिस्टर तक खबरें पहुंच गई हैं, वजीर आजम कहते हैं मुझे इनका पता है, आपके अगर वो अपनी पार्टी के ही लोग हैं सारे, पहले ये भी बता दीजिएगा कि उसमें इत्तेहादी भी हैं, कार्रवाई क्या होगी उनके खिलाफ? सुनी सुनाई बातों पे किसी पे कार्रवाई? वजीर आजम कह रहे हैं मुझे पता है, वो है। देखिए मेरी बात तो सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, मुझे तो नहीं पता ना, मुझसे पूछ रही है, कार्रवाई होनी चाहिए ना, होगी। उन 20 लोगों का भी प्राइम मिनिस्टर को बताएं, ये कैसे हो सकता है 20 पे और इन पे ना हो, ये कैसे हो सकता है? अगर आप पहले बिलावल भुट्टो कह रहे हैं FIR कटवाएं, इनको पार्टी से निकालें, आप नहीं करेंगे ऐसा, ऑपोजिशन कहती है आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। आप कितनी दफा वजीर आजम के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि उनके लिए इक्तदार इंपॉर्टेंट नहीं है, निजाम इंपॉर्टेंट है? आप ऐसी बातें करके मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम पे डाउट करती हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए इमरान खान पे? आपकी ईमानदारी की बात करें, बाहर निकाला, इनका पता है, प्रोसेस है ना। पहले तो इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि आप फैसला करना है वीडियोस पे, मरियम नवाज के बयान पे, किसने खरीदा कौन बिका, पहले सामने तो आएंगे। इमरान खान को एक बार एक सेकंड, यूसुफ ये हैदर अली गिलानी की जो वीडियो थी उसमें जो आपके 4 अरकान थे, क्या उनका पता लगा लिया जिनको वो वोट जाया करने का बता रहे थे कि कैसे, और उन्होंने सीख लिया? लेकिन आप लोगों ने नहीं सीखा कि सेनेट का वोट कैसे डालना है? कुछ आवाम के मीडिया के सामने होगा, ये फिक्र ना करें, एक एक शख्स सामने आएगा, कहाँ डीले हुई, कौन कहाँ पहुंचा, जियो फेंसिंग बड़ी बात करते थे ना, इसका इलेक्शन में जियो फेंसिंग, इन सबसे पहले आप एतमाद का वोट लेंगे, पहले इन सब चीजों से पहले आप एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। एतमाद का वोट हम कल लेने लगे हैं, उसके बाद भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता क्यों, आगे 12 तारीख के लिए हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे जरा इसके बाद किरवानी साहब की तरफ जा रहे हैं जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई शख्स भी हो, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा है कि जिस किसी ने भी खरीदो फरोख्त की है, जिसने भी जमीर बेचा, मैं कंडेम भी करता हूं और उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों होगी, उसने खुद कह दिया, पहले ही उसने कह दिया कि मुझे गलती से साइन हो गया। की बात है, दो बार कौमी असेंबली के मेंबर, तीसरी बार सेनेट का वो वोट डाल रहे थे, और इतनी लापरवाही कि उनको पता ही नहीं था कि वोट किस तरह से डालते हैं।
अच्छा साइन कर लिया उन्होंने। अच्छा एक कौमी असेंबली के मेंबर नहीं है, आपने सेनेट का वोट भी नहीं डाला होगा, लेकिन मुझे मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि बैलेट के ऊपर अगर मोहर के अलावा आप साइन करेंगे या कोई निशान लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। पारस मुझे आप बात बताएं, ये मैं अगर पारस 20 साल से गाड़ी चला रही है, खुदा ना आस्ता आपसे गाड़ी लग जाती है तो लोग तो कहेंगे 20 साल से पारस तुम गाड़ी चला रही हो ना, हो तो ये हो सकती है गलती किसी से भी। नहीं था, मैं शाहिद यार अफरीदी को जानता हूँ, अपने भाई को जानता हूँ, वो कभी पार्टी के साथ उसके अपने हम भी शक नहीं कर सकता, उस पर हम भी शक नहीं कर रहे। मेरा एक किरमानी साहब आप जाएं, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल कर सर इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं आप उनका टाइम नहीं, मैं आप पूरा टाइम देख बता दूंगा नबील बोल कहाँ था और कौन कौन इसके साथ मेरे साथ गाड़ी कौन और दो लोडर जो से थे बस तक नहीं है भाई की जेब में, मैं अभी कहता हूं चेक कर ले इस सारे तक खरीदो फरोख्त हुई है। किरमानी साहब मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, कल के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोरली थोड़ा उनको अगर ये है कि नाजायज हुआ है उनके मेंबर्स बिके हैं और उन्होंने खुद कहा कल 16 बिके हैं, अगर कल के बाद उन्होंने नहीं निकाला अपने मेंबर्स को वोट लेने के बाद नहीं निकाला तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? फिर उन्होंने भी आखिर उन्होंने भी सौदा जमीर का कर लिया ना, क्योंकि अगर 17 लोगों निकाल दिया तो घुमत गिर जाएगी। किरमानी साहब ये सारी खरीदारी ये डील पैकेज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी बात कर रही है सर, ये सारी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने ही की है या फिर आप लोगों ने भी इनको कोई सहूलतकारी इसमें फराम की है, या सिर्फ नून लीग ने वोट दिया है बाकी सारा पैसों का काम ये पीपल्स पार्टी ने खुद ही किया है मैनेज? अच्छा मेरी आपका सवाल का जवाब देने से पहले गुजारिश है कि मुझे उतना जरूर टाइम दें जरूर जितना इस बहस मुबैसे को दिया जरूर, जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या जरूर किस तरफ गुफ्तगू चली गई। पहली बात यह है कि मेरे भाई उस्मान साहब ने यहाँ फरमाया, इन्होंने अपनी ही कही हुई बात की नफी कर दी जी, जब इन्होंने कहा कि फौजिया इनकी जो थी वो इलेक्शन जीत गई, इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर हुआ बिल्कुल, फिर तो कोई एतराज ही नहीं इनका बनता नंबर वन, क्योंकि एक छत तले हुआ और यही इलेक्शन कमीशन ने भी कहा एनीवे नंबर वन। दूसरी डस्का की बात की, आज भी उसका वीडियो पे बयान मौजूद है जो शख्स कहता है कि मुझे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो, वो कौन लोग थे आज तक नहीं पता चल सका ठीक। दूसरा वो शख्स पकड़ा जाता है गाड़ी में बैठा जो चेहरा छुपा रहा है अपना, जो वो वोटों से भरा बैग लेके था वो कौन था ठीक है जी। अब गुजारिश ये है कि दरअसल ये एक चीज़ समझ नहीं पा रहे, चूंकि इनका ये पॉलिटिक्स का इनका तजर्बा नहीं है, ये खेल के मैदानों से उठ के आ गए हैं, बुरा ना मनाइएगा तो क्यों मैं सुन लेना, अब सुन लेना मुझे, अब जरा प्लीज मुझे जरा अर्ज ये है कि एक ही सांस में वज़ीर आज़म सब कुछ कहते हैं दूसरे सांस में, मुझे ये बताइए कि आज इनको बड़ा ये इलेक्शन याद आ गया हफीज शेख का, आपको पता है हफीज शेख क्यों हारे हैं जी? क्योंकि वो एक नफरत की अलामत बन चुका था जी, पाकिस्तान के अवाम का गरीब का उसने गला काटा था। आज भी देखिए 15% महंगाई बढ़ी है और किन चीजों पे बढ़ी है, जो गरीब के इस्तेमाल की चीजें उस पे किसी की तवज्जो नहीं है। खान साहब पे तो एतमाद अच्छा, है ना फिर चले वो तो नफरत की नजर हो गए। मैं आ रहा हूँ सिर्फ कल की जो स्पीच की वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने, मैं कम अज कम एक सियासी वर्कर के तौर पर तवक्को कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को ग्रेस शो करनी चाहिए थी, क्योंकि अब सिर्फ इमरान खान नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो जैसे भी ऐसे तैसे वो अब बन गए प्राइम मिनिस्टर, क्या करते बना दिया गया इस्तीफा दे देते आपकी ख्वाहिश पे असेंबली तोड़ देते, इखलाकी तौर पर जवाब खत्म हो चुका है उनका सीट में रहना। एक सेकंड जरा हौसले ना उस्मान साहब, नहीं नहीं यार बाद में बात करें ना प्लीज, आप ये ना करें, मैं आपके दरमियान नहीं बोला, मैं आपके दरमियान नहीं बोला, मैंने पहले इनका जवाब नहीं बोला जी सर, आप बोलेंगे तो मैं भी बोले नहीं, ये दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, नवाज शरीफ का ग्रेस कहां गया था? स्टॉप, नो खड़े कह रहे थे उतर जाओ, नो 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 नो, इस तरह नहीं, आप सारी बात कीजिए जो आप जी सर, तरीका नहीं है, एक बंदा बात कर रहा आप उसको डिटेल करना चाहते हैं। अच्छा सर मैं जरा मरियम नवाज पे भी आना है, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, मुझे ये बताएं, ये बड़ी बात करते हैं जी शफाफियत की फलाना ये टमकानियत की, कौन है ये ठेकेदार अब्दुल कादिर मुझे बताया जाए, कौन है जिसने 35 करोड़ का सिंध में टिकट लिया है मुझे बताइए ना, उसका भी जवाब देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं जनाब 35 करोड़ से 70-80 बोलियां लग रही हैं, और फिर उसी उम्मीदवार को जब इनके चंद जो नजरियाती वर्कर हैं उनको रिटेलिएट होता है, बगावत होती है, टिकट वापस लेते हैं लेकिन वोट उसी को फिर डालते हैं, आज वो सेनेट का उम्मीदवार है, बन चुके ये इनका बन चुका है, और इनका ये एक ये भी किरदार का पहलू है। जहां तक बात है टिकट की जो मरियम ने बात की, जो मैं समझा
ठीक है, जो मेरी दानिश में कि उन्होंने वो जो कहा ना कि जी नून लीग का टिकट चला है, टिकट चला है, उसके दो माने हैं जो मैं समझा जी। एक कि जो हमारे लोग थे जिन्होंने वोट दिया, हमारे 83 मेंबर्स जी, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हो गया, जिनकी वजह से और मिलकर अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर सारा वो जीते, हफीज अपना वो जो था यूसुफ गिलानी शेख तो जीतने ही नहीं दिया। अच्छा, दूसरा ये कि नवाज शरीफ के ये वोट को इज्जत दो के बयानिए की जीत हुई, ठीक है, उनका इशारा इस तरफ था। नहीं, जो बड़ी बात की है मरियम नवाज ने नून लीग के टिकट के ऊपर। सर देखें, एक खबर आई थी गिलानी साहब के हवाले से कि उन्होंने मरियम नवाज के साथ एक लिस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा कि ये चंद अराकीन है, ये कहते हैं कि अगर हमें नून लीग का टिकट अगले इलेक्शन में दिया जाएगा तो हम यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के लिए तैयार हैं। और नून लीग ने इस पर खबर यह है कि बड़ी फराख दली का मुजाहरा किया और ग्रीन सिग्नल दिया। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? और अगर ऐसा किया तो टिकट देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी, सेनेट की जो बात की है सर मरियम नवाज ने कल, के वहां पे पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है, ये क्या सियासत है सर? इस तरह से अब आप लोग नून लीग के टिकट देंगे सर? टिकट जिनको आप बागी बना रहे हैं उनका वो कल आपके साथ वफर आ रहे हैं? क्या 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 टिकट दे दिया सर? मैंने जो कहा ना, मैंने जो अर्ज किया ना, अगर कोई ऐसी ऑफर हुई है, अगर हुई है, मेरे इलम में नहीं है वो, अगर ऐसी ऑफर को हुई है तो मैं समझता हूँ, जो मैं समझा उनकी बात कि टिकट चला मींस के वोट चला। चाहे फाकान अब्बासी ने बुध की रात को ये कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को 15 वोट कम पड़े हैं, 15 और पड़ने चाहिए थे। वो कहते हैं मंगल की रात एस्टेब्लिशमेंट जो है 11 बजे के बाद जो न्यूट्रल नहीं रही थी। जरदारी साहब ने कहा कि गिलानी को 20 वोट पड़ने चाहिए थे। भाई आप किस यकीन दहानियों में ये बातें कर रहे थे? वो कोई उन्होंने साथ ये भी कहा, देखें इनके लोग जो हैं उनको मालूम है कि अगला इलेक्शन ये जीतने के काबिल नहीं है, ठीक है ना। अगला इलेक्शन को तो बड़ी दूर की बात है, उतनी नौबत भी नहीं आनी। टिकट चला ना फिर आपका? नहीं, टिकट अब बात पूरी तो सुनते नहीं ना मेरी बात, खुद इंश्योरेंस करा रही हूं मैं। मैंने उनका उसका तो जवाब दे दिया जो मेरी दानिश में, आप उसके जो मानी पहनाते हैं ठीक था, वो मानी जो भी आप पहनाते रहे। गुजारिश ये है कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, ओके, हफीज शेख साहब बुरी तरह हार गए। ठीक है, एक बात और पूछ लूंगी, वही गिलानी साहब है ना जिनको आपने सपोर्ट किया है, जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ ये कह रहे थे गिलानी साहब बस नीचे आ जाएं, घर जाएं, आपको अपील का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम समझे हैं तो ये वही गिलानी साहब हैं या कोई और हैं? ये वही जरदारी साहब है जिनको आप इमरान खान का भाई कह रहे थे, जिन्होंने बलूचिस्तान में आपकी चलती हुकूमत गिरा दी थी? ये वही जरदारी साहब है ना जिन्होंने मियां साहब पे ग्रेटर पंजाब बनाने का इल्जाम लगाया था? सर ये वही जरदारी साहब है ना वो जो जजेस बहाली की जो तहरीक थी उस पर उन्होंने आपके साथ मुआहदा तोड़ दिया और फिर कहा कि कुरान और हदीस नहीं होते मुआहदे? ये अखलाकियात है सियासत में सर या मफादात अहम है? माजी से इंसान सबक हासिल करता है। अगर हमने सबक हासिल कर लिया है तो आप हमें कह रही हैं कि हम फिर उसी 90 की दिहाई की सियासत। ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रखे सर, आपको आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इस वक्त भी सिंसियर है? बिल्कुल, देखें अगर कोई भी, मैं कहता हूँ सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, इस इतिहाद में 10 जमातें हैं और भी हैं इनका बता दे बस। अगर कोई भी एक दूसरे से सिंसियर नहीं होगा तो ये पाकिस्तान की कौम जो है वो देख रही है, वो फिर जो उसका हाल करेगी वो सब देखेंगे। आपने ज्यादा की, आप ये सवाल ब्रेक में वैसे कर लेती, इतने ओपन आपने सारा कुछ खोल दिया। क्यों सर? ये तो पेट फाड़कर लर और लड़काना की सड़कों पे घसीटना भी था जरदारी साहब को इन्होंने। मैं थोड़ा ऐड कर दूं, ये रह गया था आपकी तरफ, देखें वक्त वक्त की बात। इन्होंने कहा ये है वो वोट को इज्जत दो का बयानिया मियां नवाज शरीफ का जो सेनेट में परवान चढ़ा, और मैं कौम को बताना चाहता हूं इतना शर्मनाक वोट को इज्जत देना, अगर आपके पास क्लिप है तो दिखाएं कौम को। एक साबक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ऑन रिकॉर्ड है, क्या कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस, एडवांस पकड़ लिया बाबा, एडवांस पकड़ लिया बाबा, पाकिस्तानियों ये है वोट को इज्जत दो। जो अभी सेनेटर जीते हैं उनका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, खरीदो फरोख करते हैं, ये है वोट को इज्जत दो, मुझे बताने दो इन्हें प्लीज। पारस क्यों जल्दी पैसे पकड़ते हैं? ये तमाशा खत्म करना चाहते हैं, ये अब्दुल कादर की बात कर रहे हैं, ये कराची की बात कर रहे हैं। मैं खुद आपके प्रोग्राम में कहता हूँ हर एक को नंगा करें, जिसने इस जमीन फरोशी के बाजार में डाला है उसको नंगा किया जाना चाहिए, वो कौम के सामने आना चाहिए। ये समझते हैं कि शायद हम अपनों को बचा रहे हैं और इनको पकड़ाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आप कहते हैं हमारा साथ नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने लोगों को खरीदा उन पर आपका कंट्रोल नहीं था, बिकने वाले हमेशा आपके लोग होते हैं, ये क्या माजरा है? जहां बिकने की बात होती है आपके लोग फॉरेन पैसे क्यों पकड़ लेते हैं? हम चाहते हैं हर सतह पे इलेक्शन को फेयर एंड फ्री करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। कम अज कम वो सेनेट से शुरू कर सकते थे, चौधरी ने एक वजह बताई है, वो कहते हैं ये नाश्ते कराते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, हमारी तरफ सूखे सैंडविचेस होते हैं, तो जब सूखे सैंडविचेस होंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा। सही बोला इमरान खान के पास में जब पहली दफा गया था
तो वो मैं बैठा रहा, सर्दी की, अब टैक्स पेयर का पैसा है ना, टैक्स पेयर के पैसे पे तो हम चना चाट ही कल खा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई लंच भी नहीं था। जब मैं रिजाइन किया था एमएनए, तो मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था, मैं घर गया तो मैंने कहा खान साहब चाय तो पिला लो, फिर जाके उसने एक चाय मंगाई, वो भी टी बैग वाला। चले अच्छा है ना, किफायश आ रहे हैं, कहते हैं पैसे जाया नहीं करना, जी कर ले सर। फिर आपसे सवाल करती हूं जी, अभी इन्होंने बड़ा ताना दिया हमें कि जी वो जरदारी साहब का क्या वो पेट फाड़ना और सड़कों पे घसीटना लड़काना की, आज वजीर आजम साहब का बयान है कि चौधरी परवेज इलाही के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, हाँ, और इनको और ये वही परवेज इलाही हैं, शरीफ आदमी जिसको ये डाकू पंजाब का सबसे बड़ा, बस सर वही मफादात ही हो गए ना, जिसको जो जिस वक्त में सूट करता है उसी तरह, अपने आप को आईने में नहीं देख, सब एक जैसे, दूसरे को आईना दिखाओ, खुद भी तो देखो, गलती जिस जिस की है तस्लीम करो और आगे बढ़ो। भी नहीं रखे आज इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसको चौकीदार भी चपरासी भी ना रखूं उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो देखिए सियासत में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, अब ये ऐड हो गया है, पॉलिटिक्स ऐड हो गया। ब्रेक के बाद जरा मैं आपसे दोबारा बोल साहब शुरू करूंगी, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेंगे। गो के गबोल साहब, अब पीडीएम तो बायकॉट कर रही है, लेकिन क्या वजीर आजम इमरान खान को वैसे क्रेडिट देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे कि वो एतमाद का वोट लेने का उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक बहादुर और निडर सियासतदान होने का सबूत दिया। आप कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती है, आपसे पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया। देखिए एक माउस ट्रैप, आपको पता है ना माउस ट्रैप क्या होता है, माउस ट्रैप हमने ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली एक शोशा छोड़ी थी, उसने कहा इससे पहले कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाले, उन्होंने खुद अपने लोगों से आगे सोच रहे, अब अपने लोगों कह रहा है मुझे कॉन्फिडेंस का वोट दो। पहली दफा हुआ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, शायद हुआ होगा मुझे याद नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर अपने मेंबर्स को कह रहा है मुझे दोबारा एतमाद का वोट दो। किन को कह रहा है, जिसके लिए कल कहा कि ये 16 लोगों ने मुझे मेरे साथ धोखा किया और बिके हैं, उनको ही कह रहा है मुझे एतमाद का वोट। आप नहीं समझते कि हफीज शेख की हार के बावजूद इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड पे वजीर आजम खड़े होकर अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं, आप जीत गए उसके बावजूद मॉरली, मॉरली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इतना वीक है, और इतना मैं समझता हूं कि अपने आप को वो वीक समझ रहा है कि अच्छा। वो जा रहा है दोबारा पार्लियामेंट की तरफ, और हम समझते हैं कि अगर मॉरली उनको अगर थोड़ा एहसास होता तो असेंबली नहीं तोड़ता, वो रिजाइन कर लेता, क्योंकि अभी भी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कल लेगा ना, उसके बाद भी जो ये झटका दो झटके और पड़े, हमने दो झटके रखे हैं, एक 12 वाले और एक इसका झटका 10 वाला है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, मतलब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं कराची से ऐसे ही नहीं आता, आप हमेशा एक जगह, आप कराची से हर दो महीने बाद जब आते हैं तो, लेकिन अभी मैं यूसी हो रही है, पैकेज डील फाइनल होगी, सब कुछ हमारा जो है ना, हमने अपनी तैयारी की, अभी कोई तैयारी नहीं की, मेरे सामने ये मैं ब्रेक में देख रहा था, मैसेजेस कर रहा था और जवाब आ रहा था कि कल के लिए कोई एडवांस नहीं पकड़ रहा, कल कोई एडवांस नहीं चल रहा। आपको क्या ये यकीन था कि वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है अपोजिशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सर, आप तो एतमाद की बात कर रहे थे पंजाब में, नहीं हम देखे ना, हम दिखाते हैं निशाना जो है ना वो कहीं और मारते कहीं और, ये सब हमारा यही प्री निगाहें कहीं पे निशाना हमारा सारा प्री प्लान्ड था ये स्ट्रेटजी, और ऑन द डॉट जिसको बुलजाय कहते हैं ना, वो ऑन द डॉट लगा है। तरीके चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तरीके एकदम एतमाद आई थी उस वक्त आपको क्या हो गया था, अगर आप राइट दिखाते हैं और लेफ्ट मारते हैं, पता है क्या था उस वक्त, हमारे थोड़ा बहुत हमारे भाई लोग जो थे ना, इनकी कुछ गलतियों की वजह से हमने इनको समझाया पहले कि देखो जो पत्थर है ना पहाड़ का, उससे सर नहीं टकराते, बेहतर ये बैठ के उसके नीचे आप मुसल्ला बिछाए और नमाज पढ़े। वैसे इनकी फरजाना को जो हराया है ना आपने, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, वैसे ये कोई इंसाफ नहीं है। देखिए फरजाना कौसर, वो जो भी है सुना, पीटीआई में दो दिन पहले आई थी सुना, इससे अच्छा तो इसको टिकट दे देते, लेकिन सॉरी वो रिजर्व सीट भाई, उनकी कैंडिडेट को क्यों हराया आपने, उसमें क्यों सपोर्ट किया, उनके कैंडिडेट को देखे ना, हमने नहीं हराया, इन्होंने नो डाउट, मैं ऐलानिया कहता हूँ कि इनकी सपोर्ट से हम जीते, पैसा नहीं लगाया, फोकस नहीं किया उसको, तमाम फोकस जो था ना वो गिलानी साहब पे था, वो इग्नोर, मतलब आप लोगों के लिए ये सिर्फ सेनेट की एक सीट नहीं, सॉरी टू से, वो इग्नोर हो गई और मुझे अफसोस है इस बात का, राइट, अगर हम थोड़ा उसको राइट प्ले करते वो भी सीट, उस्मान डार साहब, इमरान खान साहब, आप लोग कह रहे हैं बड़ी बहादुरी का फैसला किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे कल, तो आपके ख्याल में क्या एतमाद का वोट ले लेंगे, 172 वोट्स उनको लेने, और हफीज शेख ने कितने लिए थे,
हमारे सारे इत्तेहादी मौजूद थे वहाँ, तमाम है मैंने कितने लोग थे उसमें शामिल, मुझे अब रफली याद नहीं है, 178 या कुछ 79 जितने भी माशाल्लाह हैं सारे मौजूद हैं, पहले भी थे इतने ही 172 एक दो कल वो भी पहुंच जाएंगे जो एक दो नहीं थे वहाँ मौजूद, लेकिन कम अज कम मुझे खुशी है कि नबील गबोल ने आपके प्रोग्राम में ये बात मानी है कि कल ये ऐवान छोड़ के भाग गए हैं। मैं सवाल उठाता हूँ आपके प्रोग्राम में, आप खुद कह रहे हैं हम नहीं कल जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत कमजोर हो चुकी है, सुन तो लो ना मेरे भाई, अगर हुकूमत कमजोर हो चुकी है, अगर एमएनएस का जमीर बकोल जो इनके झाग चुका था, बकोल जी गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी इमरान खान अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं और अपना ऐवान में जो इनकी सपोर्ट है वो भी खो चुके हैं, तो कल आए कल पता चले कौन को हम, किसका जमीर जगाया था इन्होंने, किसने टिकट के ऊपर फैसले हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आए ना, हम कल अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते, जरूरत का मुजाहरा करें, मेरे लिए करने किया हम 12 तारीख मेरे वजीर आजम से, अगर कल हमारे इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन अगर नहीं आती, कल हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑपोजिशन अगर कल नहीं आती तो मेरे ख्याल से फिर उसकी क्या मतलब, कोई आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा, इनके लोग एतबार दे रहे हैं और राइट साइड खाली पड़ा होगा, इनको पता है कि इनको शर्मिंदगी का सामना होगा इस शर्मनाक वाकया से बचने के लिए, कल ये खुद ही भाग रहे हैं, 3 तारीख को हो गए थे, 172 चाहिए वो इंशाल्लाह ताला कल, आप शुक्र अदा करेंगे कल शो ऑफ हैंड से आप वोट ऑफ एतमाद लेंगे तो कोई बैलेट नहीं है, वरना आपको फिर पूरी अपनी क्लासेस देनी पड़ती है अपने अराकीन को और फिर वहाँ पे वो कोई ना कोई बेचारे गलती करके आ जाते हैं और फिर मसला होता है। इमरान खान ने गिलास पानी वाला किसको मारा था, कब जब हारे थे, किसको मारा था, ये अब ये लेकिन आधी आधी खबर, 3 तारीख बता दें किसको मारा था, जब रिजल्ट निकला इमरान खान टीवी के सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, उसके साथ एक बड़ा अहम शख्सियत जो के जिसने ये सब मैनेज किया था, आप और जब हारे उसने वो ये गिलास पड़ा था, गिलास पकड़ के मारा, अच्छा हुआ उसके सर पे नहीं लगा, आप इस वक्त थे बोल को पड़ा था जो इसे बदले, मैं तो देखो ना मेरे हम मेरे 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 जासूस हर जगह फैले हुए थे, जासूस थे, उन्होंने गिलास लगने वाले ने तो नहीं बताया आपको, जिससे मार खाई उसी ने बताया, बहुत सही जबरदस्त, हो सकता है कि गिलास हाथ से गिर गया हो, मारा ना हो, नहीं उसको बोला फिर तुमने कहा था इतने मिलेंगे और इतने निकल आए, हुआ कैसे, वो गुस्सा सख्त आया, अच्छा बताने वाले ने ये इमरान खान का गुस्सा पीडीएम के बारे में क्या बोल रहे थे, पीडीएम को बताया था राइट के मानी साहब तरफ टाइम कर सका, किरमानी साहब अगर कल वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया, तो क्या ये वाज़ह हो जाएगा कि उनको ऐवान का एतमाद हासिल है, चूंकि कहा जा रहा है ना कि हफीज शेख पे भी आपने प्रोग्राम की शुरू में भी बात की थी कि ठीक है इनके अराकीन को उनसे मसला था, उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इमरान खान पे तो इनके सारे अराकीन कहते हैं हमें एतमाद है, ये कल तक इंतजार करें, वो एक है ना बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे, आप देखे शक्ल से भी हीरो लगते हैं, बड़े बड़े धोखे हैं इस राह में, रिचर्ड पता चल गया, कल भी कोई जादू चल सकता है क्या, पॉसिबिलिटीज आती है सर, सारे अपने टीम को इस्लामाबाद से बाहर निकलने से कल रात से मना किया हुआ, 17 तो इनके कल भाग गए ना, अब वजीर आजम साहब उन्हीं से वोट लेके बाद में उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, अब जाहिर इस बहती गंगा में बाकी भी जो 17-16 होंगे हाथ धो लेंगे कल, जी सर असल मसला ये है पारिस के किरमानी साहब को अपनी जमात में बड़े तजर्बे हैं, मियां साहब बाहर से आते हैं, अपना भाई नहीं एयरपोर्ट लेने जाता, फिर एक दफा आपको याद होगा जब वो जिला वतनी पे थे तब भी यही होता है, अपने वर्कर नहीं लेने जाते, किरमानी साहब भी गए थे, ये समझते हैं कि जो नून लीग में वतीरा रहा है भागने का, वो शायद कल हमारे अराकीन भागेंगे, कल खुफिया वोटिंग नहीं है, खुफिया बैलेट नहीं है, कल शो ऑफ हैंड्स होगा सर, और फिर आपको पता है कल पता चलेगा किस किस का जमीर जागा था इनके यहाँ पे, वो कहते हैं ना जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, अब गया सर, अब रुकता नहीं है, गया क्वालिफिकेशन क्लॉज लगेगी जो नहीं देगा, आज पार्लियामेंट पार्टी के लास्ट में भी सख्त फैसला हुआ है कि जिसने वोट ना दिया वो बार देखे नहीं, पीएम ने तो कहा है कि जो अगर खड़े होके मुझे दो भी कह रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा, तो अब क्या वो यूटर ले गए उससे, फिर 16 लोगों ने तो कहा ना, 16 लोगों को तो खुद उसने कहा कि मेरे पे एतमाद नहीं किया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझ पे 16 लोग बिके मेरे, तो उसका मतलब 16 लोगों ने तो कहा कि हमें आप प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए तो रिजाइन करें ना, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें आपके एक एक एमएनए का पता है जो आपके साथ बैठते हैं लेकिन उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, तो आप गबोल साहब से प्रोग्राम के बाद जरा पूछ लीजिएगा, इनको भी पता होगा जब बिलावल भुट्टो मुझे नबील गबोल बताऊंगा नहीं, पीटीआई के साथ धड़कता है था मुझे था नहीं आज भी है, क्योंकि
देखो इमरान मेरा दोस्त था, इमरान की मैं बहुत इज्जत करता था, हूँ कल को देखे ना, अभी हम एक दूसरे के दुश्मन थे, आज हम एक दूसरे के दोस्त बनते रहते हैं, दोस्त दुश्मन, सियासी दुश्मन थे ना, आज हम साथ बैठे लेकिन सियासत में पर्सनल नहीं होना चाहिए। आज उस्मान मेरा छोटा भाई है, उसके साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात है भाइयों जैसे, हम पर्सनल नहीं होते। सियासत एक शतरंज का खेल है जिसको हमने खेला, जो हम खेल रहे हैं। किरमानी साहब, अब ये मुश्तरका उम्मीदवार तो आपने सेनेट के लिए पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को किया था, अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी यूसुफ रजा गिलानी ही आपके मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनके तो सादिक संजरानी नामजद कर लिया है पीटीआई ने। देखिए, इसमें जो फाइनल फैसला है वो पीडीएम की सारी क्यादत करेगी, जाहिर है पीपल्स पार्टी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब हैं। सर, वो गिलानी साहब ने कहा कुछ हमसे भी सुनो, लगता है आप तो लोग बिल्कुल शागिर्दी में चले गए हैं सर इनकी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो फैसला पीडीएम की क्यादत करेगी मुतफिका, फैसला तो हो चुका है, अगर हो चुका है सर। वैसे गिलानी साहब हैं तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते भी हैं तो इससे नून लीग को क्या फायदा होगा, या सिर्फ आप बगैर किसी फायदे को देखते हुए इनको सपोर्ट कर रहे हैं? कोई और बड़ा मकसद है कि अगर आप देखें तो गिलानी साहब का एक बड़ा, बहुत बड़ा एक सियासी माजी है, एक वो बड़े जिद्दोजहद उन्होंने की हुई माजी में भी, और एक बड़े रिनाउंड सीजन है, और फिर और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि वो इस वक्त पीडीएम के मुश्तरका मुतफिका उम्मीदवार थे, और मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात में तय हो गया। अब असल स्लॉट का तो पूछे चेयरमैन सेनेट किसको जा रही है, चेयरमैनशिप का तो हमारा तय हो गया, यूसुफ रजा गिलानी हमारा पीडीएम का कैंडिडेट है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सादिक संजरानी भी है, ये वो ही है जब आपकी अक्सरियत थी और आप चेयरमैन सेनेट से उनको हटा नहीं सके थे। सुने, हफीज शेख यूसुफ रजा गिलानी का मिनिस्टर था, बिल्कुल, सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी का कोऑर्डिनेटर था, तो पहले अपने मिनिस्टर को हराया, अब कोऑर्डिनेटर को हराएगा। असल है बात, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हम उसको देंगे जिसके ज्यादा वोट है। वो किसके किसके वोट है ज्यादा, किस कौन नॉमिनी हो सकता है जिसके ज्यादा वोट हो गए? अब फैसला नहीं हुआ है, लेन देन होगा ना, पीपल्स पार्टी के बाद तो नून लीग के ही वोट है, तो फिर आप इनको देंगे? लेन देन होगा जिसका ज्यादा वोट है, इस पे भी होगा लेन देन मेरे ख्याल में, अगर इनका ज्यादा वोट है तो फिर इनका हक बनता है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। जो मेरी मालूमात है, इस पे पीडीएम की क्यादत अभी फैसला करेगी। राइट, आखिरी कमेंट सर, सादिक संजरानी आपके उम्मीदवार हैं, और देखिए हफीज शेख पे अभी जैसे किरमानी साहब ने किया, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके अरकीन ने उन पे एतमाद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, सादिक संजरानी का भी पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, तो सर ये आपका कोई अपना नजरियाती कोई दरीना कारकुन नहीं था जिससे आप चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करते ताकि आपके लोग खुशी खुशी देते? खान साहब की इतनी सालों की जद्दोजहद में आप लोगों के अरकीन इसीलिए साथ रहे कि आप पैराशूटर्स को कहेंगे इनको वोट दो? फिर नहीं, देखिए संजरानी साहब कोई पैराशूटर नहीं है, काफी पिछले सालों से वो हाउस चलाते आ रहे हैं, माशाल्लाह ठीक है वो चला रहे हैं। हमारे जो हमारे मौजूदा सेनेटर्स पहले से मौजूद थे, उनका भी एतमाद हासिल था संजरानी साहब को, और जो नए आए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से काफी, तो खड़ा कर देना आप कितने प्यार से उनको सेनेट में लेके गए हैं नाइल होने से बचाने के लिए, तो अपने किसी कारकुन को करें। मैं तो ये बात कर रही हूँ, शायद लोगों का आपसे जो एतराज है वो खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अभी डिप्टी सेनेटर का अनाउंसमेंट नहीं हुई है, देखें किसका नाम आता है। ठीक है, डिप्टी सेनेट ये इन्होंने ऑफर किया है, जो हमें पता चला है वो इन्होंने ऑफर किया एमकेएम, राइट टाइम, अच्छा एमकेएम को ऑफर कर दिया सुना है जो इन्होंने। वैसे नबील गबोल है पीपल्स पार्टी से, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी पीटीआई की सर, वैसे इन्होंने ऑफर हमारे साथ धड़क गया इसलिए मांग रहे हैं, क्योंकि एमकेएम मांग लेती है आपको पता है, हां मांग रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी फाइनल नहीं किया है ना, हमने फाइनल किया। चलिए टाइम खत्म हो गया, फिर कल वज़ीर-ए-आज़म एतमाद के सारे वोट ले लेंगे जितने इनको रिक्वायर्ड है अल्लाह ताला, कल पीडीएम को क्लीन बोल्ड करेंगे, लेकिन कल पारस साहब ने जरूर प्रोग्राम में बताना है कि नोट चला था या जमीर का वोट चला था। बिल्कुल ठीक, वो पता चल जाएगा कल किस किस का जमीर जो है ना वो जागा था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, नबील गबोल साहब और आसिफ किरमानी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए, फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।